इंधन दरवाढी विरोधात एमआयएमच्या वतीने जिल्हा आणि तालुक्यात जोरदार विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं। सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडतात, अशातच सर्वसामान्य जनतेला या भाववाढीमुळे खूप समस्या होतात, आर्थिकदृष्ट्या निराकरण करावं लागतं। या सर्वच मध्ये एमआयएम पक्षाचे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद तसेच वैजापूर तालुक्यात इंधन दरवाढी विरोधात आंदोलन करण्यात आलं। वैजापूर येथील उपजिल्हा अधिकारी यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्य पेट्रोलियम सचिव, विक्रीकर सचिव आणि महाराष्ट्र सरकार यांना संयुक्तपणे निवेदन देण्यात आलं। यावेळी वैजापूरचे एमआयएमचे तालुका अध्यक्ष अकिल कुरेशी, शहर अध्यक्ष वसीम खाम, युवा तालुका अध्यक्ष वसीम शेख आणि एमआयएम पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित होते। उससे मैंने पूछा कि तेरे को यहाँ पर कितना वक्त हुआ, बता रहा था कि 20 साल से मैं यहाँ पे काम करता, 20 साल से एक कर्मचारी पेट्रोल डीजल पंप पे काम करता, उसके कार्यकाल के अंदर अभी तक इतना डीजल पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ा। तो ये भाव बढ़ा और ये भाव का हम यहाँ पर जाहिर निषेध करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए। अब हम तमाम की हाजिरी में इसको लिखित स्वरूप और खासदार साहब के आदेश से जो है तो उप जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन जो खासदार साहब के आदेश से हमने यहाँ पर लिखा है वो हम देने के लिए जाएंगे। तो तमाम जो है तो अपने सोशल डिस्टेंस का और मास्क का ख्याल रखें। प्रतिनिधि सैयद बशीर, न्यूज टुडे 24, औरंगाबाद। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।